पर स्पष्ट जनादेश नहीं है और जो बाजार है वो ये चाहता है कि एक बिल्कुल। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जीते हैं, ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें, पंजाब से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री थे जब पंजाब में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, याद होगा। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी जीत पंजाब में कांग्रेस ने दर्ज की है। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि वो यहाँ पर अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पंजाब के पूर्व सीएम चरण सिंह चन्नी चुनाव जीत गए हैं, वो अब संसद में दिखाई देंगे। जलंधर सीट से 1,37,000 वोटों से वो यहाँ पर जीत कर आए हैं। तो ये देखिए, पंजाब से भी अब स्थिति यहाँ पर साफ होती दिखाई दे रही है। जालंधर सीट की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, पहले गांधीनगर और अब पंजाब की स्थिति यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है। एक और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो निकलता दिखाई दे रहा है, पूर्व सीएम चरणजीत की बात करें तो वो जीते हैं पंजाब से। तो एक एक कर अब यहाँ नतीजे सामने आने लगे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। और शुरू से ही अगर हम चरणजीत की बात करें लोकेंद्र, तो वो रुझानों में आगे दिखाई दे रहे थे और फिर नतीजा भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और अगर हम ओवरऑल टैली की बात करें तो बीजेपी अभी भी बहुमत से काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रही है, और अभी 250 का जो आंकड़ा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पा रही है। तो ये स्थिति है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो बीजेपी कॉन्फिडेंट थी 370, वो अभी अपने टारगेट से 100 से ज्यादा सीटों से दूर दिखाई दे रही है। होती दिखाई दे रही है, अभी 300 टच किया था लेकिन वापस से अभी ये 298 पर नीचे आ गई है। तो जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, अभी 300 पार भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, उत्तर